चलो, तो आज का टॉपिक होगा यूनिट डिजिट, यानी कि इकाई अंक, है ना, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से सीटेट के लिए। यहां से क्वेश्चन बनता ही बनता है, ठीक है। तो डिविजिबिलिटी रूल कल हमने खत्म कर लिया, ठीक है ना। तो इकाई अंक यानी कि यूनिट डिजिट, इकाई का अंक, इकाई का अंक यानी के यूनिट डिजिट। इकाई का अंक यानी के यूनिट डिजिट, ये कैसे निकालना है ये समझना है हमें, ठीक है ना। अब देखिए भाई, कोई भी संख्या हो, ठीक है ना, जैसे कि मैंने कोई संख्या लिखी यहां पे, 5, 3, 2, 7, 8, ये कोई संख्या लिखी मैंने, और मैं पूछ लूं आपसे कि बताइए यूनिट डिजिट क्या है, इकाई अंक क्या है इसका, क्या है? 8 है। तो इकाई अंक निकालना है, तो इसका मतलब तुमने क्या किया, केवल इकाई के अंक पर फोकस किया, है ना, इसका मतलब बाकी संख्या से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है ना। तो केवल आपने केवल 8 8 को देखा, इसका मतलब इसका कोई रोल नहीं है ना, बाकी संख्या का कोई रोल नहीं है। तो इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पे कोई भी संख्या दे रखी हो और अगर आपसे पूछता है इकाई अंक क्या होगा, तो इसका मतलब हम फोकस भी किस पर करते हैं, केवल इकाई अंक पर ही फोकस करते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है ना, केवल इकाई अंक को देखते हैं, यानी कि बाकी जितनी भी संख्या होगी संख्या के अंदर उनका कोई महत्व नहीं है, बाकी कोई दिक्कत है तो नहीं, ठीक है ना। चलिए, तो जैसे मैं कोई एग्जाम्पल लिख दूं यहाँ पे, एग्जाम्पल लिख रहा हूं मैं कि 315 प्लस 612 प्लस 816 प्लस 3001 प्लस 1688, ठीक है ना। और मैं अब आपसे पूछ लूं कि बताइए इकाई अंक क्या होगा, बताइए इकाई अंक क्या होगा, 315 612 प्लस 816 प्लस 3001 प्लस 1638 में इकाई अंक क्या होगा, तो क्या होगा भाई, 1 9 0 0। चलो ठीक है, देख लो, मैच कर लो अपना आंसर। देखो मैंने क्या बोला कि अगर हमें इकाई अंक ही निकालना है तो फोकस भी किस पर करोगे, इकाई अंक पे। तो इस 31 से कोई मतलब नहीं है हमारा, ठीक है ना, इस 61 से कोई मतलब नहीं है, है ना, इस 81 से कोई मतलब नहीं है, और इस 300 से कोई मतलब नहीं है, और इस 163 से कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। तो हम केवल फोकस करते हैं इकाई अंक पे, ठीक है ना। तो इसका मतलब 5 और 2 7, 7 और 6 13, 13 में क्या मिला, 3, 3 और 1 4, 4 और 8 12। अब तुम्हारी गलती है ना, ठीक है ना, 4 और 8 12, तो 12 में इकाई अंक क्या मिलेगा, 2। तो इसका यूनिट डिजिट कितना मिला हमें, 2। तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन दिया था मैंने तुम्हें, ठीक है ना, कि भाई मैंने क्या बोला कि अगर तुम्हें इकाई अंक निकालना है तो कोई भी संख्या अगर दे रखी हो, है ना, कोई भी संख्या अगर दे रखी हो तो फोकस भी केवल किस पे करोगे, जस्ट यूनिट डिजिट पे फोकस करोगे, कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक है ना। अब देखिएगा, समझिए भाई, 5 और 2 7, 7 और 6 13, 13 में क्या मिला हमें, 3, ठीक है ना, 3 और 1 4, 4 और 8 12, 12 में इकाई अंक कितना होगा, 2। तो इसका इकाई अंक क्या हुआ, 2 हुआ, कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को। जैसे मैं लिखता हूं कोई भी एग्जाम्पल, 312 इंटू 624 इंटू 981 इंटू 315, ठीक है, ये लिख दिया मैंने। तो मैं पूछ लूं कि बताओ इसका इकाई अंक क्या होगा, तो बताइएगा जरा क्या होगा, 0। तो तुमने बताया इस बार 0, क्लियर होगी बात। तो हमने कहा कि अगर इकाई के अंक पूछता है तो फोकस भी किस पे करना है, इकाई अंक पर। तो इसका मतलब 31 से कोई मतलब नहीं है, 62 से कोई मतलब नहीं है, 98 से कोई लेना देना नहीं है, और 31 से भी कोई मतलब नहीं है, ठीक है, ठीक है। तो आप मल्टीप्लाई करोगे इकाई अंक की, 2 गुना 4, है ना, तो 2 की मल्टीप्लाई किसमें करोगे, 4 में, तो 4 दूनी 8, 8 मिला, 8 की मल्टीप्लाई किसमें करोगे, 1 में, 8 ही कम 8, 8 पंजे 40, तो कितना आ गया,
जीरो, तो यहाँ पे इकाई का कितना आ गया जीरो। और वैसे भी अगर आप किसी इवन नंबर की मल्टीप्लाई, यहाँ पे लिख रहा मैं कि अगर आप किसी इवन नंबर की मल्टीप्लाई, इवन नंबर की मल्टीप्लाई अगर 5 के साथ करोगे तो उसका इकाई का अंक हमेशा क्या होगा, जीरो होगा। याद रखोगे, अगर किसी इवन नंबर की, यानी कि इवन का मतलब सम संख्या है ना, किसी भी सम संख्या की मल्टीप्लाई अगर 5 के साथ करोगे तो इकाई का अंक हमेशा क्या होगा, जीरो होगा। कोई दिक्कत तो नहीं, क्योंकि एक सम संख्या में दो अवश्य छिपा होगा है ना, और 5 के साथ जब भिड़ेगा तो हमेशा एक जीरो बनाएगा। बात समझ में आ रही? तो इसलिए मैंने लिखा कि अगर कोई भी सम संख्या है, इवन नंबर है और 5 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो हमेशा इकाई का अंक क्या मिलेगा, जीरो। इसी तरीके से मैं बोलता हूं कि अगर आप ओड नंबर की, ओड नंबर की मल्टीप्लाई अगर किसके साथ करोगे, 5 के साथ करोगे तो हमेशा इकाई का अंक क्या मिलेगा, बताओ, 5 मिलेगा हमेशा। हमेशा इकाई का अंक क्या मिलेगा भाई, 5 मिलेगा। तो ये हो गया तुम्हारा एक छोटा सा गोल्डन रिजल्ट, ठीक है ना, इसको हमेशा याद रखना है, ठीक है ना, इसको हमेशा क्या करना है, याद रखना है। क्या हुआ, ये हो गया तुम्हारा इंपॉर्टेंट, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं, नोट करते चलना साथ साथ में, ठीक है। तो मुझे एक बात बताओ भाई, टोटल जो कुल डिजिट है वो कितनी है, टोटल डिजिट कितनी होती है, 10, कौन कौन सी, 0 से लेकर 9 तक, तो कुल कितनी डिजिट है ये, 10 भाई, 1 से लेकर 9 तक कितनी हुई, 9 डिजिट, और 0 को भी शामिल किया तो कितनी होगी, 10। तो हमें इन टोटल 10 डिजिट के बारे में पढ़ना है, ठीक है ना। कोई भी संख्या बड़ी से बड़ी हो, चाहे कितने भी छोटी से छोटी संख्या हो, तो हम केवल डिजिट का प्रयोग करते हैं। इन्हीं अंकों से हम कोई भी कितनी भी बड़ी संख्या बना सकते हैं और कितनी भी छोटी संख्या बना सकते हैं। तो केवल 10 अंकों का हम प्रयोग करते हैं, ठीक है ना, और इन्हीं को हमें पढ़ना है। तो ये तो सिंपल क्वेश्चन थे कि जब इस तरह से क्वेश्चन होगा, इस फॉर्म में क्वेश्चन होगा, तो यहाँ पे तो हम डायरेक्ट यूनिट डिजिट पे फोकस करेंगे। लेकिन दिक्कतें कहाँ शुरू होगी, जब हमारा क्वेश्चन पावर की फॉर्म में होगा। जैसे मैं बोल दिया कि 314 की पावर 56 की पावर 17, ऐसे कुछ बोल दिया, और मैंने पूछ लिया कि बताइए इकाई अंक क्या होगा, तो हमें दिक्कतें यहां से शुरू होगी, है ना। जैसे कि मैंने बोल दिया कि 512 की पावर 1092, अब बताइए इकाई अंक क्या होगा, तो यहां से दिक्कतें हमें शुरू होगी, ठीक है ना। तो इसको समझना हमें, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। जब भी क्वेश्चन हमारा इस फॉर्म में होगा तो हम केवल यूनिट डिजिट पे फोकस करेंगे। अगर मैथमेटिकल ऑपरेशन, ध्यान दो, जो मैथमेटिकल ऑपरेशन संख्याओं के बीच में होगा, वही सेम मैथमेटिकल ऑपरेशन हम यूनिट डिजिट में लगाओगे, ठीक है ना। यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन का था तो यहाँ पे भी मल्टीप्लीकेशन, यहाँ पे भी मल्टीप्लीकेशन, यानी कि जो भी संख्याओं के बीच में मैथमेटिकल ऑपरेशन लगा होगा वही ऑपरेशन हम ठीक यूनिट डिजिट में लगाते हैं। कोई दिक्कत तो नहीं किसी को, ठीक है। और फोकस किस पर करेंगे, केवल यूनिट डिजिट पे, इकाई अंक पर, कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है ना। तो चलिए नेक्स्ट चले भाई आगे। देखिएगा, नोट कर लिया था सबने, ठीक है। अब देखिएगा, हमारे 0, 1, 5, 0, 1, 5 और 6, ये 0, 1, 5, 6, ये हमारे जो तीन है ना, ये जो चार नंबर है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। 0, 1, 5, 6, ये जो चार डिजिट है, 0, 1, 5, 6, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये इनका जो प्रकृति है, इनका जो नेचर है, इन चारों नंबर का नेचर बिल्कुल सेम है ना। यानी कि एक ही फैमिली को ये रिप्रेजेंट करते हैं, सबका नेचर एक जैसा है। बात समझ में आई, सब में क्या है, एक जैसा नेचर है। अब समझना, जीरो यानी कि किसी भी संख्या का अगर इकाई अंक जीरो है तब क्या होता है, किसी भी संख्या का इकाई अंक अगर एक है तब क्या होता है, किसी भी संख्या का इकाई अंक 5 है तब क्या होगा, और 6 है तो तब क्या होगा। समझना भाई, मैं ये लिख रहा हूं कोई नंबर, जैसे कि कोई नंबर मैंने लिख दिया 420, और मैंने लिखा इसकी पावर
39, इसकी पावर मैंने कितना कर दिया 39, तो 420 की पावर 39 मैंने लिखा, तो 420 की पावर 39 का मतलब क्या होगा बताओ? इसका मतलब यही तो है कि हमने 420 को 39 बार मल्टीप्लाई किया। भाई अगर मैं यहां पे लिख दिया 2 की पावर 3, तो इस बात का मतलब क्या होगा कि 2 की मल्टीप्लीकेशन 3 बार है ना, कि 2 की मल्टीप्लीकेशन कितनी बार 3 बार। ऐसे ही तो लिखोगे कि 2 को 3 बार लिख दो, मल्टीप्लाई कर दो, फिर इसका मतलब यही तो होगा ना, ठीक है ना। तो 420 की पावर 39 का मतलब क्या होगा कि 420 को हमें 39 बार मल्टीप्लाई करना है, इस बात का मतलब ये हुआ। कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है ना। अब समझिए, अगर 420 की मल्टीप्लाई 39 बार करनी है, तो इस बात को मैं ऐसे लिख सकता हूं, 420 इंटू 420 इंटू 420 इंटू 420 इंटू डॉट 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 कितनी बार 39 times, यानी कि इतनी बार हमें मल्टीप्लाई करनी है। बोलो बात सही है क्या? 39 बार हमें मल्टीप्लाई करनी है, ठीक है। तो मैंने कहा कि अगर आपको केवल यूनिट डिजिट पूछता है, इकाई अंक पूछता है, तो फोकस भी किस पर करोगे? इकाई अंक पे। तो इसका मतलब 420 में इस 42 से कोई मतलब नहीं है, 420 में इस 42 से कोई मतलब नहीं है, 420 में इससे कोई लेना देना नहीं है। तो जीरो की मल्टीप्लाई जब हर बार जीरो में होगी तो क्या मिलेगा? जीरो। तो इसका मतलब यूनिट डिजिट क्या बनेगा यहां पे? जीरो बनेगा कि नहीं? बोलो यहां तक कोई दिक्कत है क्या? तो इसका मतलब यह हुआ कि हमने ये बात जान ली कि दुनिया की कोई भी संख्या है, अगर उसका इकाई अंक पहले से ही जीरो है, उसकी पावर चाहे कुछ भी कर लो आप, तो हमेशा उसका इकाई अंक जो भी रिजल्ट देगा उसका इकाई अंक हमेशा जीरो ही होगा। क्लियर है बात? यानी कि दुनिया की कोई भी कितनी भी बड़ी से बड़ी संख्या हो या कितनी भी छोटी से छोटी संख्या हो, और उस संख्या का इकाई अंक अगर जीरो है और उस संख्या की पावर चाहे कितनी भी बड़ी लिख लो या कितनी भी छोटी लिख लो, तो उसका जो भी रिजल्ट होगा, उस रिजल्ट में जो भी इकाई अंक होगा, वो हमेशा क्या होगा? जीरो ही होगा। क्लियर होगी बात यहां तक? कोई डाउट तो नहीं किसी को? ठीक है ना। अगर मैं लिखता हूं यहां पे 3050 और मैंने बोल दिया कि बताओ इसकी पावर लिख दी मैंने 1033, तो बताओ इकाई अंक क्या होगा? जीरो ही होगा। क्लियर होगी बात? ठीक है ना, क्योंकि इकाई अंक क्या है यहाँ पे? जीरो। कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? ठीक है ना। इसका मतलब ये हुआ कि 305 से कोई मतलब नहीं है, और इस जीरो की पावर कितनी है भाई? इस जीरो की पावर 1033 है, यानी कि जीरो की मल्टीप्लाई हमें 1033 बार करनी पड़ी, और जीरो की मल्टीप्लाई 1033 बार करते रहोगे तो भी क्या मिलेगा? जीरो ही मिलेगा। ठीक है ना। चलिए, तो ये तो चीज होगी हमारी क्लियर। अब अगर मैं लिख रहा हूं यहां पे कोई नंबर दूसरा, देखिए अगर मैं कोई दूसरा नंबर लिखा यहां पे 351 लिख लिया है ना, 351, और इसकी पावर मैंने लिख दी 123, इसकी पावर लिखी मैंने 123, तो क्या इस बात का मतलब यह होगा कि 351 की मल्टीप्लाई हमें कितनी बार करनी है भाई? 351 की मल्टीप्लाई कितनी बार करनी है? 123 बार, है ना। तो इसका मतलब यह हुआ कि 351 इंटू 351 इंटू 351 इंटू 351, है ना, कितनी बार मल्टीप्लाई? 123 times, 123 times, यानी कि 123 बार, ठीक है ना, इतनी बार मल्टीप्लाई की। तो हमने कहा कि तुम एक काम करना कि अगर तुम्हें इकाई अंक चाहिए तो केवल फोकस इकाई के अंक पर ही करना, है ना। तो इस 35 से कोई मतलब नहीं है हमारा, इससे कोई लेना देना नहीं है। तो इकाई के अंक की मल्टीप्लाई करोगे, एक गुना एक एक ही मिलेगा, एक गुना एक एक ही मिलेगा, एक गुना एक एक ही मिलेगा, तो 123 बार जब एक की मल्टीप्लाई एक में करोगे तो क्या मिलेगा? एक ही मिलेगा। तो मैं कह सकता हूं यहां पे इकाई अंक कितना मिला भाई हमें? एक मिला कि नहीं? यहां पे इकाई अंक कितना मिलेगा? एक मिलेगा। तो इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि कोई भी संख्या हो, अगर उसका इकाई का अंक एक है और उस संख्या की पावर चाहे तुम कितनी बड़ी लिख लो, कितनी भी छोटी लिख लो, उसका इकाई अंक हमेशा क्या मिलेगा? एक ही मिलेगा। यहां तक कोई दिक्कत है किसी को? समझ में आ रही बात यहां तक? बताइए। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट में अगर एग्जांपल लिख रहा हूं कोई दूसरा, जैसे कि मैंने लिखा 435 की पावर अगर मैंने लिख दिया यहां पे 47, यानी कि 47 लिख लिया, कुछ भी ले सकता हूं मैं पावर, ठीक है ना। तो इस बात का मतलब क्या हो भाई? 435 की मल्टीप्लाई कितनी बार करनी है? 47 बार करनी है ना। इसकी मल्टीप्लाई कितनी बार करोगे? 47 बार। तो 435 इंटू
435 इंटू डॉट 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 कितनी बार है भाई, 47 टाइम्स है ना। तो इसका हमें निकालना है यूनिट डिजिट, है ना, इसका हमें निकालना है यूनिट डिजिट। तो फोकस किस पे करोगे, यूनिट डिजिट पे। तो 43 43 से कोई मतलब नहीं है, 43 से कोई मतलब नहीं है। तो 5 की मल्टीप्लाई 5 में करिएगा, 25 25 में क्या मिलेगा, 5। तो 5 की मल्टीप्लाई फिर 5 में करोगे, फिर 25 मिलेगा, फिर 25 में क्या मिलेगा, 5। तो इसी तरीके से अगर मैं 47 बार 5 की मल्टीप्लाई 5 में ही करता गया तो हर बार मुझे इकाई अंक जो मिलेगा वो 5 ही मिलेगा, मिलेगा कि नहीं। तो इसका मतलब क्या होगा कि यहाँ पे जो इकाई अंक हमारा होगा तो यहाँ पे क्या मिलेगा हमें, 5। यूनिट डिजिट क्या होगा हमारा, 5। यहां तक कोई दिक्कत है किसी को, क्लियर है बात यहां तक, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं कोई एग्जाम्पल दूसरा लेता हूं, 636 और इसकी पावर अगर मैं कोई भी नंबर लिख लूं, जैसे कि मैंने लिख दिया 97, है ना, तो इस बात का मतलब हुआ कि 636 की मल्टीप्लाई हमें 97 बार करनी है, यानी कि 97 बार करनी है। तो 636 गुणा 636 गुणा 636 इंटू कितनी बार, 97 टाइम्स हमें मल्टीप्लाई करनी है, ठीक है। तो हमें यहां देखना है कि इकाई अंक क्या होगा। तो सबसे पहले मैं 63 से कोई मतलब नहीं है, है ना, 63 से हमारा यहां पे भी कोई मतलब नहीं है और यहां पे भी 63 से कोई मतलब नहीं है। तो हर बार जब मैं 6 की मल्टीप्लाई 6 में करूंगा तो कितना, 6 मिलेगा, 6 चंग 36 में 6 मिलेगा, है ना। तो फिर 6 की मल्टीप्लाई 6 में, तो इसी तरीके से मैं 6 की मल्टीप्लाई 6 में बार बार 97 बार करूंगा तो हर बार मुझे 36 मिलेगा और 36 में इकाई अंक क्या मिलेगा, 6 मिलेगा। तो इसका मतलब इकाई अंक यहां पे क्या हो गया, 6। तो आप मुझे बताइए ये जो 0 1 5 6 क्या ये एक ही फैमिली को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे, सबका क्या नेचर एक नहीं हुआ, सबकी प्रकृति एक जैसी नहीं है, बात समझ में आ रही। तो इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि दुनिया की कोई भी संख्या हो चाहे, है ना, अगर उस संख्या का इकाई अंक 0 है, उसकी पावर चाहे तुम कुछ भी कर लो, हमेशा इकाई अंक 0 ही मिलेगा। या फिर उसका इकाई अंक 1 है, पावर चाहे जो भी कर लो, हमेशा इकाई अंक 1 ही मिलेगा। अगर 5 है इकाई अंक के स्थान पर तो उसकी पावर चाहे जो भी कर लो, इकाई अंक हमेशा क्या मिलेगा, 5 ही मिलेगा, है ना। अगर 6 है इकाई के स्थान पर, उसकी पावर चाहे कुछ भी कर लो तो हमेशा इकाई के स्थान पर क्या मिलेगा, क्या मिलेगा, 6 ही मिलेगा। एक सेकंड में सेल डाल लो उसमें, ठीक है, 6 ही मिलेगा। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं किसी को, चलो हो गया काम, ठीक है। यहां तक बताओ कोई दिक्कत तो नहीं किसी को, समझ में आ रहा है यहां तक, तो लिख लो इस बात को नोट करके। इसको नोट करके लिख लीजिएगा, यदि किसी संख्या का इकाई अंक 0 5 0 1 0 1 5 या 6 में से, 6 में से कोई भी हो और इनकी पावर चाहे कितने भी हो, और इनकी पावर यानी कि घात, है ना, इनकी पावर चाहे कितनी भी हो,
तो हमेशा यूनिट डिजिट तो हमेशा यूनिट डिजिट क्रमशः जीरो, हमेशा यूनिट डिजिट क्रमशः जीरो, एक, पांच और छह ही आएगा, और छह ही आएगा। समझ गए बात को? छह ही आएगा, याद रखना इस बात को। कोई दिक्कत है तो बताइएगा। तो हमेशा क्या आएगा? यही आएगा। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? देखिए, मैं कुछ एग्जाम्पल लिख रहा, अब तुम मुझे बताओगे कि इसका आंसर क्या होगा, इसका इकाई अंक क्या होगा। ठीक है ना? एग्जाम्पल है 321 की पावर 420, 321 की पावर 420 इंटू 605 की पावर 47 माइनस 5100 6 की पावर 168 प्लस 820 की पावर हमारा हो गया 36। ठीक है ना? ये कुछ एग्जाम्पल है, तो बताइएगा इसका इकाई अंक क्या होगा, इसका इकाई अंक क्या होगा। यूनिट डिजिट बताना भाई हमें, इसमें इकाई अंक क्या होगा, जल्दी बताइएगा। इसका इकाई अंक क्या होगा, जल्दी बताओ। एक, माइनस का एक। क्या कभी भी किसी भी संख्या में इकाई अंक निगेटिव होता है? बताओ कितना? जीरो। कितना तुम्हारा? कितना? माइनस एक आया था तुम्हारा, एक आया था। चलो देखते हैं, तुम देखो ये गलती कभी नहीं करनी, अगर एग्जाम में कभी हुआ तो ये गलती तुम कभी नहीं करोगे आज के बाद। ठीक है ना? अब ध्यान से सुनना मेरी बात को भाई, मेरी बात को ध्यान से सुनना। हमें इसका इकाई अंक निकालना, इकाई अंक 32 से कोई मतलब है हमारा? नहीं। एक एक का केस है, क्योंकि इस संख्या का इकाई अंक एक है, और एक के पावर चाहे कुछ भी हो, इकाई अंक हमेशा क्या मिलेगा? एक ही मिलेगा क्या? तो यहां पे कितना मिला? एक ही मिला। ठीक है ना? ये पांच का केस है, तो पांच ही मिलेगा क्या? ये फिक्स है, पांच ही मिलेगा क्या? कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को? ये भाई छह का केस है, इकाई के स्थान पर छह है, तो हमेशा क्या मिलेगा? छह ही मिलेगा क्या? कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को? ठीक है ना? ये जीरो का केस है, 82 से कोई मतलब नहीं, तो हमेशा क्या मिलेगा? जीरो ही मिलेगा। यहां तक कोई दिक्कत है किसी को? अभी तक कोई डाउट तो नहीं? अब मैं यहां पे देखता हूं कि इन संख्याओं के बीच में मैथमेटिकल ऑपरेशन क्या था, है ना? तो मुझे यहां पे दिखाई दे रहा मल्टीप्लीकेशन का था। किसका था? मल्टीप्लीकेशन का। तो सेम यहां पे भी मल्टीप्लाई का ही होगा। क्लियर होगी बात? यहां पे मैथमेटिकल ऑपरेशन माइनस का था, तो यहां पर भी क्या होगा? माइनस का ही होगा। ठीक है ना? यहां पर प्लस मैथमेटिकल ऑपरेशन लगा हुआ है, तो यहां पर भी क्या होगा? प्लस होगा। कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? यानी कि जो मैथमेटिकल ऑपरेशन हमारा संख्याओं के बीच में होता है, वही सेम हमें यूनिट डिजिट में लगाना होता है। कोई दिक्कत तो नहीं? ठीक है ना? तो आप मुझे बताइए, बोर्ड मास तो पढ़ा ही होगा ना कभी, तो सबसे पहले हम ब्रैकेट को सोल्व करते हैं, फिर ऑफ को, फिर डिवाइड को, फिर मल्टीप्लीकेशन को, फिर प्लस या माइनस में से कोई से को भी कर सकते हो, क्योंकि प्लस और माइनस हमेशा सेगमेंट बनाते हैं, क्वेश्चन को दो अलग अलग हिस्सों में तोड़ते हैं। क्लियर होगी बात? ठीक है ना? तो माइनस और प्लस से पहले तो मल्टीप्लीकेशन सोल्व होगा। क्लियर होगी बात? यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है किसी को? तो ये बताओ, यहां से एक की पांच में मल्टीप्लाई करोगे क्या मिलेगा? पांच मिलेगा। पांच मिलेगा यहां तक? यहां तक कितना मिला मुझे? पांच। इकाई अंक यहां पे कितना हो गया? पांच। अब भाई पांच में से तुम छह घटा लो, कितना? माइनस का एक। पांच माइनस छह करोगे तो माइनस का एक, और माइनस एक प्लस जीरो करोगे तो माइनस एक, माइनस एक प्लस जीरो करोगे माइनस एक। तो फाइनल जो हमें मिला वो क्या मिला? फाइनल हमें क्या मिला? माइनस एक। यहां तक बताओ कोई दिक्कत है क्या किसी को? भाई पांच की एक की मल्टीप्लाई पांच में किया तो पांच मिला, और पांच माइनस छह, पांच माइनस छह तो माइनस एक, और माइनस एक प्लस जीरो तो माइनस एक। बोलो बात समझ में आ रही क्या? यहां तक बता दो कोई दिक्कत है क्या?
अब हमें पता है कि किसी भी संख्या में इकाई अंक कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता, हमेशा इकाई अंक पॉजिटिव होता है। बात समझ में आई? और हमें यह भी पता है कि हमें कुल कितनी भी बड़ी संख्या लिखनी हो या कितनी भी छोटी संख्या लिखनी हो, हम केवल 10 अंकों का ही प्रयोग करते हैं, 10 अंकों का ही इस्तेमाल करते हैं, यानी कि टोटल जो डिजिट है वो कितनी है, 10 ही है, ठीक है ना। तो जब भी हमारा निगेटिव, जब भी हमारा कोई डिजिट इकाई अंक निगेटिव आए, जब भी हमारा इकाई अंक निगेटिव आए, मैं बार बार रिपीट करी यही बात है ना, कि जब भी हमारा निगेटिव आए इकाई अंक, तो उसको पॉजिटिव करने के लिए हमेशा हम 10 जोड़ते हैं। क्या जोड़ते हैं? 10 जोड़ते हैं हमेशा पॉजिटिव करने के लिए। बात समझ में आई? हमेशा क्या जोड़ोगे? 10 जोड़ दोगे, क्योंकि टोटल डिजिट कितनी है? 10 है। टोटल नंबर ऑफ डिजिट कितनी है? 10 है। 10 का डिजिट का प्रयोग करते हैं हम। तो अगर निगेटिव आया हमारा कभी भी आगे कोई भी किसी भी क्वेश्चन में, तो हम ऐसे क्या करोगे, हम क्या करोगे भाई, 10 जोड़ दोगे। तो 10 जोड़ने के बाद क्या आ गया? पॉजिटिव हो गया क्या? तो इसका मतलब इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो हमारा 9 है, यानी कि 9 यूनिट डिजिट है। इस सवाल का जो उत्तर होगा वो कितना होगा? 9। एक तरीका तो था भाई ये हमारे पास, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब मुझे एक बात बताओ, तुम एक एग्जाम्पल से समझो, छोटी सी चीज मैं यहीं पर लिख रहा हूं, कोई एग्जाम्पल। जैसे मैंने लिखा 169, मुझे इसमें से कोई नंबर माइनस करना है, जैसे कि मैंने लिख दिया यहां पे 8 और 7, 0, 8, 7, चलो 87 ले लो, है ना, 87 ही है ये, ले लिया ठीक है ना, और मुझे इसमें से माइनस करना है ये नंबर। तो भाई मुझे एक बात बताओ, या फिर ऊपर तुम एक काम कर लो, कोई छोटा नंबर ले लो, ये ले लिया मैंने कोई छोटा नंबर, यहाँ पे लिख देते हैं कुछ और, यहाँ पे लिख देते हैं हम 5, यहाँ ठीक है, अब ठीक है। तो मैंने 165 ले लिया, 165 में से मुझे 87 माइनस करना है, ठीक है ना, तो 5 में से 7 घटेगा क्या? नहीं। तो हम क्या करेंगे, इधर से कैरी लेंगे ना, एक कैरी लेंगे ना, तो 15 हो गया, तो 5 से 7 नहीं घटा, लेकिन 15 से तो घटेगा ना, तो इधर से हमने कैरी ले ली, 15 में से 7 गए 8, कोई दिक्कत तो नहीं है। यहां कितना बचा? 5, 5 बचा, 5 में से 8 नहीं घटेगा, तो इधर से कैरी लोगे तो 15, 15 में से 8 गए कितना 7। बात समझ में आई? तब घटाया ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं ये कहूं कि 5 में से तुम्हें क्या घटाना है, 7 घटाना है, 5 में से तुम्हें क्या घटाना है, 7 घटाना है, और हमें पता है ये 5 भी यूनिट डिजिट है और 7 भी यूनिट डिजिट है, इकाई के अंक पे काम कर रहे हैं हम, है ना। तो इसका मतलब केवल इकाई का अंक लिख रखा है ना हमने, तो यहाँ पे 5 लिख रखा है ना, तो इकाई से इधर वाला जो दहाई का अंक होगा वो कुछ ना कुछ तो होगा ना, तो मैं इधर से कैरी तो ले सकता हूं, तो 15, 15 में से 7 गए 8, 15 में 7 गए 8, यानी कि 5 माइनस 7 जब नहीं घटेगा तो हमेशा कैरी लोगे, तो इसको 5 नहीं 15 समझना है अब, यानी कि 10 पहले ही जोड़ देना, अगर 5 में से घट नहीं पा रहा तो 10 पहले ही जोड़ दो, 10 और 5 15, कैरी ली ना हमने, तो 15 में से 7 गए 8 आ गए सीधा सीधा, ठीक है। या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 5 माइनस 7 तो बराबर माइनस के 2, तो अब वापस क्या करोगे पॉजिटिव करने के लिए, अब इसमें प्लस के 10 कर दोगे, तो अब भी कितना आया 8, तो इसका मतलब चाहे लास्ट में 10 ऐड कर लो या शुरू में 10 ऐड कर लेना, बात तो एक ही है ना, क्योंकि यूनिट डिजिट हमेशा पॉजिटिव होगा, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को। क्लियर हुई बात यहां तक? समझ में आया? तो मैं इसको ऐसे देख रहा था कि 1 × 5 कितना आ गया, 5, 5 में से 6 नहीं घटेगा, लेकिन 15 में से 6 तो घटेगा, 15 में से 6 गए 9, 9 प्लस 0 0 होगा 9 प्लस 0 9, तो आंसर कितना आया 9। यहां तक बताओ कोई दिक्कत है क्या किसी को? क्लियर होगी बात यहां पे? ठीक है, एक और एग्जांपल लिखिए फटाफट। देखो नेक्स्ट एग्जांपल, मैंने लिखा 125 की पावर 128, ठीक है, प्लस 936 की पावर 408 माइनस 5170 की पावर 28 प्लस 1281 की पावर 4056। और मैं अब पूछ लेता हूं कि बताइए इकाई अंक क्या होगा, बताइए इकाई अंक क्या होगा, बताइए भाई इकाई अंक क्या होगा, यूनिट डिजिट क्या होगा, जल्दी बताइए। जीरो, देखते हैं अभी, अभी तुम्हारा हीरो बना देंगे हम, है ना।
बताओ एग्जाम में कैसे कर लोगे, इतना टाइम लगाओगे जो तुम ऐसे क्वेश्चनों में। मैं तुम्हें बहुत ही मतलब एक लेवल बढ़ा के पढ़ा रहा तुम्हें, ताकि तुम्हारा जो नंबर है अगर यहां से आया तो तुम करके ही आओगे, छोड़ के नहीं आओगे फिर, ठीक है ना। सिंपल ही तो है, कितना आया? दो। तुम्हारा जीरो। जीरो किस किस का आया? अब तुम्हारा तो हीरो बनाना पड़ेगा है, तुम गलत हो। दो तुम्हारा सही है बिल्कुल, जिसका दो है वो सही है, अब देख लो है ना। पांच का केस है भाई, बारह से तो कोई मतलब नहीं, तो कितना? पांच ही मिलेगा क्या? ये बताओ, ये छह का केस है, इकाई के स्थान पर छह है तो क्या मिलेगा? छह मिलेगा, कोई दिक्कत तो नहीं है। ये बताओ ये जीरो का केस है, इससे तो कोई मतलब नहीं, तो क्या मिलेगा? जीरो ही मिलेगा यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या मिलेगा? जीरो ही मिलेगा, ठीक है। ये एक का केस है तो इससे तो कोई मतलब नहीं, तो क्या मिलेगा? एक ही मिलेगा। अब मैं देखूंगा मैथमेटिकल ऑपरेशन क्या लगा हुआ है, ठीक है ना। बीच में यहाँ पे क्या है भाई? प्लस, तो हमने भी प्लस लगा दिया। यहाँ बीच में क्या? माइनस, तो हमने भी माइनस लगा दिया। बीच में क्या है यहाँ पे? प्लस, तो हमने भी क्या लगा दिया? प्लस लगा दिया। कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक किसी को, ठीक है ना। तो प्लस और माइनस ही है, अब डायरेक्ट निकाल लो, कुछ करना ही नहीं। ये बताओ छह और पांच ग्यारह, ग्यारह में क्या मिलेगा एकाएक अंक? एक मिलेगा। एक में से जीरो घटा दो कितना मिलेगा? एक ही मिलेगा। एक में से जीरो घटाओगे तो कितना मिलेगा? एक ही मिलेगा। अब एक में एक जोड़ दोगे तो क्या मिलेगा? दो। अब इसका मतलब तुम्हें जोड़ घटा भी सिखानी पड़ेगी। पता नहीं कैसे कर रहे। अरे छह और पांच ग्यारह में एक मिलेगा, एक में से जो एक मिला, एक और एक दो, और ये दो में से जीरो घटाओगे, इस जीरो का तो कोई मतलब ही नहीं है, मैच भी नहीं है ना। तो छह और पांच ग्यारह एक, एक और एक दो, जीरो का कोई मतलब है ही नहीं, दो ही तो आ रहा है सीधा सीधा। समझ नहीं आया? आ गया समझ में? यही था तुम्हारा, ये नहीं था? चलो अब समझ में आ गया ना सबके। तो अब ये बात याद रखना है कि जब भी किसी भी संख्या की पावर कुछ भी हो चाहे, लेकिन उसका इकाई अंक अगर जीरो होगा, एक होगा, पांच होगा, छह होगा, तो हमेशा इकाई अंक वही होगा जो उसका इकाई अंक होगा। क्लियर है बात यहां तक? तो यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है किसी को। तो चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। अब देखिएगा, अगर मैं बात करूं, देखो हमने जीरो की बात कर ली, एक की बात कर ली, पांच की बात कर ली और छह की बात कर ली, चार डिजिट खत्म होगी। टोटल डिजिट कितनी थी? दस। दस में से चार डिजिट का एंड हो गया है ना। अब मैं अगर बात करूं चार और नौ की, चार और नौ की, चार और नौ की, तो समझिएगा भाई चार और नौ पे हमें करना क्या है, ठीक है। चार और नौ की, ये चार और नौ जिस तरीके से जीरो एक पांच, जिस तरीके से जीरो एक पांच छह एक ही फैमिली को रिप्रेजेंट करते हैं, एक ही प्रकृति के हैं, एक ही नेचर के हैं, ठीक उसी तरीके से चार और नौ भी एक ही फैमिली को रिप्रेजेंट करेंगे, एक ही प्रकृति के होंगे, एक ही नेचर के होंगे। समझ रहे बात को? तो चलिएगा, चार और नौ की बात कर रहे हैं अभी हम, चार और नौ की। अब समझिए, सबसे पहले मैं अगर बात करूं किसकी? चार की। अगर मैं सबसे पहले बात करता हूं किसकी भाई? चार की। तो ये जो चार है हमारी, हम सबसे पहले इसकी चर्चा करेंगे चार की, ठीक है ना। चार और नौ में से सबसे पहले चार की, एक तरफ नौ की कर लेंगे और एक तरफ चार की। तो मुझे एक बात बताओ, अगर मैं लिख रहा हूं चार की पावर एक, अगर मैं लिख रहा हूं यहां पे चार की पावर एक, तो क्या मिलेगा? चार मिलेगा कि नहीं? अगर मैं लिखता हूं चार की पावर दो, तो क्या मिलेगा? चार का स्क्वायर सोलह, फोकस यूनिट डिजिट पे, चार का स्क्वायर सोलह, फोकस यूनिट डिजिट पे, तो कितना? छह मिलेगा कि नहीं? ठीक है ना। अगर मैं कर रहा हूं यहां पे चार की पावर तीन, चार की पावर तीन, तो इसका मतलब चार की पावर तीन चौसठ, या फिर चार की मल्टीप्लाई छह में कर दो सीधा, चार छिक चौबीस, चार मिलेगा कि नहीं? कोई दिक्कत तो नहीं। अगर मैं फिर चार की पावर चार करता हूं, तो चार चौक सोलह, तो क्या मिला? छह मिला। अगर मैं चार की पावर पांच करता हूं, फिर चार छिक चौबीस, क्या मिला? चार मिला कि नहीं? ठीक है ना। अगर मैं चार की पावर छह करता हूं, तो चार चौक सोलह, पिछले नंबर में मल्टीप्लाई करता चल रहा मैं, कहेंगे छह, चार की पावर सात, तो क्या मिलेगा? चार की पावर सात, तो चार छिक चौबीस। तो इस तरीके से मैं बढ़ता चला गया इस तरह से, कोई दिक्कत है? तो तुमने कुछ ना कुछ ऑब्जर्वेशन तो किया ही होगा, किया कि नहीं? तो क्या चल रहा है बार बार?
4 6 4 6 4 6 4 6 कुछ और अलग आया नहीं। तो अब हमें यहाँ पे एक चीज पता लगा कि भाई अगर मैं पावर को ऑड करता हूं, 4 की पावर ऑड यानी कि विषम करता हूं, तो 4 की पावर ऑड यानी कि 4 की पावर अगर विषम है तो हमेशा इकाई का स्थान पर क्या होगा, 4 खुद होगा। क्लियर होगी बात। लेकिन अगर 4 की पावर हमारी क्या है, इवन है, 4 की पावर क्या है भाई हमारी, इवन है यानी कि सम है, तो इकाई के स्थान पर क्या हो रहा बार बार, 6 होगा। क्लियर हुई बात, कंसेप्ट समझ में आया कि नहीं बोलो। ठीक है, तो 4 की पावर अगर हमारी क्या है भाई, यहां पे लिख रहा मैं, अगर 4 की पावर हमारी इवन है, या ओड लिख लो पहले, अगर 4 की पावर ओड है, ओड का मतलब विषम, तो इकाई के स्थान पर क्या हो रहा बार बार, 4। और अगर 4 की पावर हमारा क्या है, इवन है, तो इकाई के स्थान पर क्या हो रहा बार बार, 6। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं, यहां तक कोई डाउट है किसी को, बोलो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको कर लो एक ब्रैकेट में बंद, ये हो गया हमारा रिजल्ट, है ना, ये हो गया हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट रिजल्ट कि यदि 4 की पावर विषम है तो क्या होगा, यूनिट डिजिट पे 4 होगा, इकाई के स्थान पर 4 होगा। अगर 4 की पावर इवन है, सम है यानी कि, तो यूनिट डिजिट क्या होगा हमारा, 6 होगा। कोई दिक्कत तो नहीं, ऑलवेज हमेशा, ठीक है ना, ALWAYS ऑलवेज हमेशा होगा इस तरीके से। ठीक है, अब मैं अगर बात करूंगी इसकी भाई 9 की, 9 के केस की, यहां तक हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए अगर मैं बात करता हूं किसकी, 9 के केस की, तो यहां पर लिख दिया मैंने 9, ठीक है। अब समझिएगा भाई, मैं एक बार करता हूं 9 की पावर 1, क्या मिला मुझे 9। अब की बार मैंने लिखा 9 की पावर 2, कितना 9 का स्क्वायर, 81 में इकाई अंक 1, 81 में इकाई अंक कितना 1, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं किसी को, 81 में हो गया इकाई अंक आपका 1। अगर मैं लिख रहा हूं 9 की पावर 3, तो 9 की मल्टीप्लाई 1 में कर दो 9 9 की पावर 4, तो 9 81 में कितना मिला 1। 9 की पावर 5, 9 9 की पावर 6, क्या मिलेगा 9 81 का 1, है ना, 9 की पावर 7, तो क्या मिलेगा 9 81 9। इसी तरीके से ऐसे आगे बढ़ते चले गए, चलते चले गए इस तरीके से, ठीक है ना। तो हमने यहां पे भी कुछ ना कुछ ऑब्जर्व किया होगा, किया होगा कि नहीं, तो तुम्हें दिखाई दे रहा होगा यहां पे कि हमने क्या किया यहां पे, कि अगर पावर हमारी क्या है, ओड है, 9 की पावर 1 है, पावर ओड है, तो हमें इकाई अंक क्या मिल रहा है ओड पे, 9 ही मिल रहा है ना। अगर पावर ओड है तो 9 मिलेगा, पावर ओड है तो 9 मिलेगा, पावर ओड है तो 9 मिलेगा। और अगर पावर हमारी इवन है तो क्या मिलेगा, पावर इवन है तो 1 मिलेगा, पावर इवन है तो 1 मिलेगा, पावर इवन है तो 1 मिलेगा। बात बताओ समझ में आई कि नहीं आई, कोई दिक्कत तो नहीं, कोई चीज दिक्कत वाली बात तो नहीं लग रही तुम्हें, ठीक है। ये भी डाउन हो गया सहल भाई, चलो देखते हैं जब तक चलेगा चलेगा, है ना, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं। तो हमने ये चीज निकाल लिया रिजल्ट कि अगर 9 की पावर, अगर 9 की पावर हमारी क्या है, ओड है, ठीक है, तो हमें यूनिट डिजिट पर क्या मिलेगा, 9 मिलेगा। और अगर 9 की पावर हमारा क्या है, इवन है, तो क्या मिलेगा 9 की पावर इवन पे, हमेशा 1 मिलेगा। ये बताओ यहां तक किसी को कोई दिक्कत हो तो बताइएगा। ये हमारा रिजल्ट निकल गया यहां पे, ऑलवेज, कोई दिक्कत है किसी को, ठीक है। अब तुमने एक चीज और ऑब्जर्व की होगी कि तुम्हें ना ये सब कुछ लिखने की जरूरत नहीं पड़ने की, बस तुम पावर पर ध्यान देना। जैसे कि 4 का रिजल्ट है तो 4 की पावर 1 पर देख लो क्या मिलेगा, 4 4 की पावर 2 पर क्या मिलेगा, 6। तो 1 2 से ही पता लग जाएगा तुम्हें, ठीक है ना, पूरा डिटेल से मन में सोचने की जरूरत नहीं पड़ने की। 9 की पावर 1 पर खुद 9 मिल रहा कि नहीं, 4 की पावर 1 पर खुद 4 मिल रहा कि नहीं,
है ना, और चार के पावर दो पे छह मिल रहा है, तो इसका मतलब इवन पे क्या मिलेगा छह, और यहाँ पे इवन पे क्या मिलेगा एक। याद रखोगे इस बात को, कोई दिक्कत तो नहीं। तो जिस तरीके से हमारा जीरो एक पांच और छह एक फैमिली को प्रदर्शित करेंगे, ठीक उसी तरीके से चार और नौ भी एक ही फैमिली को प्रदर्शित करते हैं, एक ही नेचर के हैं, सबका नेचर एक ही है, क्योंकि फैमिली में है एक ही सदस्य है, एक जैसे सदस्य है, तो इनका खून का रिश्ता होगा, है कि नहीं। तो समझिए भाई, याद रख, कोई दिक्कत तो नहीं। अब मैं कुछ एग्जाम्पल लिख दूं इन सब के, ठीक है। तो मैं कुछ यहां पे एग्जाम्पल लिखूंगा, तुम बताओगे इसका जवाब, ठीक है। चलिएगा भाई, जैसे कि यहां पे पहला एग्जाम्पल मैं यहां दे रहा हूं, पहला एग्जाम्पल, ठीक है, यहीं पे दे रहा हूं, ठीक है। देखिएगा, 63,254, और मैं बोल दूं कि इसकी पावर लिख दो 625, इसकी पावर लिख दो 625, ठीक है ना। तो इकाई अंक क्या होगा, ठीक है। दूसरा एग्जांपल मैं यहीं पे लिख रहा, फिर बाद में पूछते हैं, 1344 की पावर 31, इसका इकाई अंक क्या होगा। तीसरा एग्जांपल मैं यहीं पे लिख रहा हूं, 23,584, और इसकी पावर हो गया 1024, तो इसका इकाई अंक क्या होगा, ठीक है ना। या फिर चौथा एग्जाम्पल लिख लो, 9,974 की पावर 33, और 33 की पावर 32, और 32 की पावर 31, ठीक है ना। तो इसका इकाई अंक क्या होगा। एक और लिख लो पांचवा, ठीक है ना, 6,654, और इसकी पावर हमारा हो गया 38, 38 की पावर 13 ले लो, और इसकी पावर ले लो 29, है ना। तो अब इकाई अंक क्या होगा, ठीक है, ये पहले इस पर बात कर लो, है ना। तो ये कुछ एग्जांपल है, 63,254 की पावर 625, तब इकाई अंक क्या होगा, 1344 की पावर 31। एक को पकड़ लो, ठीक है ना, पहले बताओ इसका, बताओ भाई पहले मुझे ये बताओ इसका इकाई अंक क्या होगा चार। तो सबसे पहले तुम्हें ये देखना है कि नंबर में इकाई के स्थान पर क्या है, तो तुम्हें दिख रहा है चार है भाई, तो इसका मतलब इससे तो कोई मतलब नहीं है तुम्हारा, ठीक है। ये तो केवल कंफ्यूज करने के लिए देगा, और इससे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि इकाई अंक अगर पूछता है तो फोकस केवल इकाई के अंक पर ही करना है, ठीक है ना। तो अब ये बताओ, केवल हम चार पे फोकस कर रहे हैं, तो चार की पावर ओड और इवन पे फोकस करेंगे। चार की पावर एक पे चार है, यानी कि चार की पावर एक, यानी कि एक का मतलब ओड, यानी कि चार की पावर अगर विषम पावर है तो हमेशा क्या मिलेगा, चार मिलेगा। तो चार की पावर, पावर बताओ कैसी है, विषम है कि नहीं है, 625 विषम ही तो है ना। तो इसका मतलब क्या मिलेगा इकाई का स्थान पर, चार ही मिलेगा कि नहीं, कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को, समझ में आ रही बात यहां तक, ठीक है। अब ये बताओ, 1344 की पावर 31 है, 1344 की पावर 31, तो बताओ क्या मिलेगा इकाई के स्थान पर, चार ही मिलेगा, क्योंकि केस किसका है, चार का, 134 से कोई मतलब नहीं है, चार की पावर ऑड है, और चार की पावर ऑड पे क्या मिलेगा, चार ही मिलेगा, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है ना। अब ये बताओ, यहां पे भी चार का केस है, इकाई के स्थान पर चार है, इससे कोई मतलब नहीं है, चार की पावर इवन है कि ओड है, इवन है, सम है, और चार की पावर अगर सम है तो तुम एक काम करो, चार की पावर 1024 का वही इकाई का अंक होगा जो चार की पावर दो का होगा, और चार की पावर दो का क्या है, छह, तो इसका मतलब 1024 का भी क्या होगा, छह होगा। बात समझ में आ रही, ठीक है ना। इसी तरीके से यहां पे देखते हैं कि यहां पे बताइएगा, यहां पे इकाई का अंक क्या होगा, बताओ जल्दी, यहां पे बताओ क्या होगा, चार ये है 9,974 की पावर 33 की पावर 32 की पावर 31, है ना, यानी कि 237 से कोई मतलब नहीं है, चार का केस है, तो अब बताइए क्या होगा, सिक्स या फोर, फोर कैसे, फोर क्यों, क्या वजह है कि तुमने फोर बताया इसको, है पावर थ्री है। अब तुम्हें एक चीज मैं बता दूं, शायद तुम्हें नहीं पता होगा, यहां पे लिख रहा मैं, ऊपर ध्यान दो, देखो यहां पे लिख रहा, कोई नंबर अगर इवन है ना, इवन, कोई नंबर अगर इवन है, इवन का मतलब सम है, और उसकी पावर तुम कुछ भी कर दो, कुछ भी, समथिंग एन, कुछ भी कर दो, मैंने एन कर दी इसकी पावर, तो रिजल्ट हमेशा क्या मिलेगा, इवन ही मिलेगा, तो रिजल्ट हमेशा क्या मिलेगा, इवन ही मिलेगा। बात समझ में आ रही। कोई नंबर ले लिया हमने इवन नंबर, जैसे कि 432, चलो छोटा ही ले लो ना, जैसे कि चार ले लिया, चार की पावर तुम कुछ भी कर दो अपनी मर्जी से, तुमने एक करा तो चार मिला,
तुमने दो करा, चार की बराबर दो करा 16 मिला, चार की बराबर तीन करा 64 मिला, क्या मिलेगा 64 मिलेगा, चार की बराबर चार करा तो चार चौक 16, चार छक 24, 256 मिला इस तरीके से, ठीक है ना। तो अब मुझे एक बात बताओ, तुमने इव ऑड की पावर तो रिजल्ट सम मिला, इवन ही मिला, तुमने इवन की पावर सम पावर की पहले ऑड की तो भी रिजल्ट सम मिला, तुमने पावर इवन की तो भी रिजल्ट सम मिला, तुमने पावर फिर ऑड की तो भी रिजल्ट सम मिला, है ना, सम में इनके इवन ही मिला, तुमने पावर फिर विषम वो की इवन की तो भी रिजल्ट इवन मिला। तो इस आधार पे मैं ये कह सकता हूं कि संख्या चाहे कोई भी हो, लेकिन वो अगर सम संख्या है ना, सम संख्या है और सम संख्या की पावर तुम कुछ भी कर लोगे ना तो रिजल्ट तो इवन ही मिलेगा, यानी कि सम ही मिलेगा। बात समझ में आ रही, ठीक है। इसी तरीके से मैं ये कह सकता हूं कि अगर हमारी संख्या ओड है, ओड का मतलब विषम संख्या है, और विषम संख्या की पावर चाहे तुम कुछ भी कर लो अपनी मर्जी से, कुछ भी, यानी कि कुछ भी का मतलब कुछ भी है ना, विषम लिख लो पावर को, सम लिख लो पावर को, भाज्य कर लो या भाज्य कर लो, है ना, कुछ भी कर लो, कुछ भी का मतलब कुछ भी हो गया। तो पावर अगर हमारी n है, n का मतलब कुछ भी है, और संख्या हमारी क्या है विषम, तो विषम की पावर अगर n है तो रिजल्ट हमेशा क्या मिलेगा, ओड मिलेगा। रिजल्ट हमेशा क्या मिलेगा भाई, ओड ही मिलेगा। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, बताओ जल्दी से, बात समझ में आई कि ना, आगे। तो ये हो गया एक और हमारा रिजल्ट, है ना, ये एक रिजल्ट और हो गया हमारा जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना हमेशा हमेशा इसको, ठीक है, कि भाई इवन की पावर अगर एन करोगे तो हमेशा रिजल्ट इवन मिलेगा, ओड की पावर अगर एन करोगे तो हमेशा रिजल्ट ओड ही मिलेगा। तो तुम मुझे एक बात बता दो, अब यहां पे भाई, यहां पे तुम मुझे एक बात बता दो कि जो चार का केस है, ये चार का केस है, तो ये तुम्हें पहले तो ये 33 को समझ में आ रहा, 33 क्या है, विषम की सम, विषम है ओड है, और 33 की पावर तुम अब कुछ भी कर लो, ये 33 की पावर अब तुम कुछ भी कर लो तो रिजल्ट तो ओड ही मिलेगा ना, यानी कि विषम की पावर कुछ भी कर लो तो विषम ही मिलेगा। तो मैं कह सकता हूं कि चार की पावर यहां पे विषम है, इसका मतलब चार की पावर यहां पे विषम है, और चार की पावर विषम पे क्या मिलेगा, चार ही तो मिलेगा, समझ नहीं आई बात, ठीक है ना। यहां पे देखो चार का केस है, 635 से कोई मतलब नहीं है, यहां पे पावर कैसी है, सम, पावर कैसी है सम, और सम की पावर चाहे तुम अब कुछ भी लिख लो, सम की पावर चाहे तुम कुछ भी कर लो, सम ही रहेगा। तो चार की पावर सम, चार की पावर इवन पे क्या मिलेगा, छः, तो इकाई का अंक क्या हो गया यहाँ पे, छः। अब बताओ समझ में आया कि नहीं, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को, कोई डाउट है भाई किसी को, क्लियर है यहां तक, क्या जी, हाँ वो भी वही बैठेगा, यहां तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत है तो बताइएगा, है कोई दिक्कत नहीं है ना। तो चलो अब इसके भी एग्जाम्पल ले लो, यहां पर मैं एग्जाम्पल लिख रहा है इसके भी, तो एग्जाम्पल नंबर एक ध्यान दो, 3169, 3169 की पावर 189, ठीक है ना, यहां पर भी मैं एक अंक पूछ रहा हूं। दूसरा है हमारा 429 की पावर 312, 429 की पावर 312, यहां पे भी एक अंक निकालना है। तीसरा एग्जांपल लिख लो, 109 की पावर 18 और 18 की पावर 17, यहां पे भी हमें एक अंक निकालना है। और चौथा एग्जांपल 729 की पावर 61 और 61 की पावर 36, 36 की पावर 13, तो बताइए इकाई अंक क्या होगा, जल्दी बताओ भाई इकाई अंक क्या होगा। इकाई अंक क्या होगा, जल्दी बताओ भाई, है पहले का क्या है, 9 है पक्का, चलो देखते हैं भाई। 316 से तो कोई मतलब नहीं है हमारा, क्योंकि हम केवल फोकस किस पे करेंगे, इकाई अंक पे, है ना, और इसकी पावर है 189, और जो कि एक ऑड पावर है, जो कि एक ऑड पावर है, तो 9 की पावर ऑड पे हमें क्या मिलेगा, 9 ही मिलेगा, ठीक है ना। अब ये बताओ, ये 9 का केस है, पावर कैसी है,
इवन, अगर पावर इवन है तो 9 की पावर इवन पे क्या मिलेगा 1, ठीक है ना। अब ये बताओ 9 का केस है 10 से कोई मतलब नहीं है, 9 का केस है, 9 की पावर यहां पे क्या है 18, 9 की पावर यहां पे क्या है 18, और 18 की पावर कुछ भी कर लो रिजल्ट तो सम ही मिलेगा, है ना। तो केवल 17 से कोई मतलब नहीं, 9 की पावर 18 देखो, 9 की पावर 18 का मतलब 9 की पावर इवन है, और इवन पे क्या मिलेगा 1। बात समझ में आ रही क्या? ठीक है, यहाँ पे 9 का केस है, 72 से कोई लेना देना नहीं है, 9 की पावर 61 दिखाई दे रहा, और 61 जो कि एक विषम संख्या है ना, तो 9 की पावर विषम है, इसका मतलब 9 की पावर विषम पे क्या मिलेगा हमेशा 9 मिलेगा। बोलो बात समझ में आ रही कि नहीं, तो क्योंकि 61 की पावर तुम कुछ भी कर लो रिजल्ट तो विषम ही मिलेगा, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं किसी को। तो 4-9 का केस समझ में आ गया भाई, कोई दिक्कत तो नहीं, समझ में आ रहा, उतारो जल्दी से है। दूसरा और तीसरा देखो, यहां पे हमारा 9 का केस है और 312 हमारी कैसी पावर है इवन, इवन पावर है, और 9 की पावर इवन पे, 9 की पावर इवन पे क्या मिलता है 1, तो 9 की पावर इवन पे क्या होगा 1 ही तो होगा। इसी तरीके से 9 की पावर 18 दिखाई दे रहा, 18 एक सम है, तो 9 की पावर इवन पे 1 ही मिलेगा, क्योंकि 18 की पावर तुम 17 भी करोगे तो रिजल्ट तो इवन ही मिलेगा अब भी, क्योंकि इवन की पावर कुछ भी का मतलब इवन ही है, इवन की पावर कुछ भी का मतलब क्या होगा इवन ही होगा। यहां तक बताओ कोई दिक्कत है क्या किसी को, समझ में आ रही बात। तो 4 का 9 का भी केस पढ़ लिया हमने, ठीक है, कौन कौन से बच गया भाई हमने 0, 1, 5, 6 चार डिजिट, और 2 डिजिट ही होगी, 6 डिजिट पढ़ ली, अभी 4 डिजिट बाकी है, कौन कौन से 2, 3, 7 और 8, 2, 3, 7 और 8, जिस तरीके से इनका नेचर सेम था ठीक उसी तरीके से उनकी भी प्रकृति सेम है, वो भी एक फैमिली को रिप्रेजेंट करेंगे, कौन कौन 2, 3, 7 और 8। अब ये बताओ तुम्हें लेट तो नहीं हो रहा अगर मैं थोड़ा आगे पढ़ाऊं तो, जल्दी बताओ मुझे डिसीजन जल्दी लो, मैं 3 बजे तक पढ़ा दूंगा कोई दिक्कत नहीं, आधा घंटा तुम्हारी बस किस टाइम है 15 मिनट बाद, क्योंकि अगर मैं अभी स्टार्ट करूंगा तो फिर वो खत्म तो होगा नहीं, चलो कोशिश करेंगे थोड़ा थोड़ा पढ़ाने की, है ना। चलो आगे, अगला जो टॉपिक है मतलब इसी में ही, तो